वो यही बातें बतानी है ना कि अल्लाह का जिक्र करो। वो बताया करेंगे हमारे बाबे बूढ़े बाबे हमारे वो वक्त था। क्या ख्याल है जी, सरकार के वक्तों को याद करेंगे क्या? जरूर मैं बच्चों को कहते लोगों को कहता हूँ अपने बच्चे को सरकार के हाथ का बोसा एक मरतबा जरूर दिलवाओ, एक मरतबा कम अज कम जरूर दिलवाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये वक्त गुजर जाना है, हमने बूढ़े हो जाना है, नस्लें आगे आगे से ये जनाब लोग बात क्या मस्जिद गिर जानी है, क्या मस्जिदें खत्म हो जाएंगी? इंशाल्लाह ये मस्जिदें खत्म नहीं होनी, ना इनके स्पीकरों से आवाजें खत्म होंगी। हय्या अलस्सलाह तो क़यामत तक आवाज चलती रहेगी। ये वो वाहिद आवाज है जो पूरी दुनिया में एक लम्हा भी बंद नहीं होती, हम वक्त ये आवाज गूंज रही होती है अज़ान की। तो दोस्तों ये आवाजें, ये मस्जिदें, ये आवाज रहेगी इंशाल्लाह वक्त आएगा। तो मैं कहता हूँ ये बाबा बूढ़ा हो जाएगा, बच्चा बूढ़ा होके ये बाबा जब उस महफिल में बैठेगा और ये महफिल में बैठ के कहेगा पुत्रो तुसी गल्ला कर रहे हो कि वो लोग ऐसे थे ऐसे थे, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ जिसने सरकार मियां साहब के हाथ का बोसा दिया। उस वक्त कौन सी क्या मुक्ति होंगी, लिपट लिपट के लोग पूछेंगे यार बता कैसे मोहब्बत करते थे। उसने कहा मोहब्बत ऐसे ही करते थे, तीन तीन चार चार घंटे अपने मुर्शिद का चेहरा देखते रहते थे और थकते भी नहीं थे। ये मोहब्बत, ये सबके अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह करे अखिल अच्छी हो गई। इस्तकामत की दुआ मांगनी चाहिए, बड़ी बात इस्तकामत, अल्लाह करे इस्तकामत के साथ दुनिया से रुखसत हो और ये नस्बत लेके जाए। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।